जोश और उत्साह से भक्ति और प्रबल होती है। घंटों तक कंधों पर कांवर लेकर पैदल गंगा तालाब तक चलना, रात और दिन की परवाह न करते हुए व्रत धारण करके चल के वापस अपने अपने मंदिरों में आना और चार पहर की पूजा में पूरी रात अपने आराध्य देव की पूजा तथा उनका अभिषेक करना, भोलेनाथ का चमत्कार ही तो है। आज भक्तों की भक्ति से ही यह घाट दिव्य तथा पूजनीय हुआ है और गंगा तालाब का माहौल कैलाशमय हुआ है। मॉरिशस में गंगा तालाब शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। जैसे आप शिव जी के हिमालय पर्वत पर आ गए हैं और शिव जी आपका इंतजार कर रहे थे सदियों से। 3-4 लाख आदमी जाए और चुन रही परमात्मा से, जब जाए तो परमात्मा की वर्षा और हुई। और हमारा मन, जो हमारी सोच होती है, एक ही शब्द पर टिका हुआ है और वो क्या है? ओम नमः शिवाय। पुराण से जुड़ी कथाओं में जीवन का मूलभूत रहस्य छुपा हुआ है। हमारा कर्तव्य है इनको पढ़ना और समझना और सबसे जरूरी बात, इनको अपने कर्मों में उतारना। शिव के जीवन का अनुसरण कर हम जन्म कारण को सिद्ध कर सकते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि भक्ति से आज भोगी भक्त बन जाता है, भोलेनाथ की कृपा से पर्वत भी पिघल जाता है। वह मूर्ति के रूप में हमारे सामने विद्यमान तो है, लेकिन मृत शरीर में ई की मात्रा लगा दो तो शव भी शिव बन जाता है। महादेव 1887 में तियोले के निवासी पंडित झमन गिरी गोसाई के स्वप्न में जब भोलेनाथ ने उस अनजान झील की ओर इशारा किया तो भक्ति ने उत्साह जगा दिया और जंगलों को काटने का निर्णय लिया गया। आज वह अनजान झील विश्व प्रसिद्ध गंगा तालाब बन गया है, जहां न सिर्फ स्थानीय भक्त बल्कि दूसरे देशों से भक्तगण भी दर्शन के लिए आते हैं, जिनको आध्यात्मिक पर्यटन कहते हैं, अर्थात स्पिरिचुअल टूरिज्म। Il y a vraiment une entraide entre les personnes, on reçoit plein de nourriture et c'est vrai que c'est assez exceptionnel, je trouve toute cette cohésion et tout cet événement assez imposant et assez global sur l'île Maurice. Voilà, et puis c'est un véritable défi pour nous, comme pour tous les Mauriciens, donc ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens qui sont là pour nous aider à accomplir ce défi. The people. Having to interact with them on a different levels, you get to understand the culture here, you get to understand their way of life. I feel honored to be here, for one. Seeing the diligence that the people here are showing to this, not only the distance or having to prepare for those participating, however, the things they carry to the river coming back. Yes. I really feel people take time to make those things. People take time in carrying them. So the belief for me is great. And it teaches you that once you put your heart into something, it really does make a difference in your life. It has some sort of significance. I most like the people here, how they enjoy this day and how they all can meet in one place and really get together. Everyone's smiling, sharing food for free. Our friends say, don't eat breakfast, you will be fat on the way. I said, how it's possible? Everything is free. It's not possible in England. It's not possible in Poland. I'm not sure it's possible in any place in the world. समाज को सुसंस्कृत तथा संचालित करने के लिए धर्म की अति आवश्यकता है। हमारे धर्म शास्त्रों में चार पुरुषार्थों का बड़ा महत्व है, जिनमें है धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है मोक्ष की प्राप्ति करना। इस प्रक्रिया में चारों पुरुषार्थों को परिवार सहित प्राप्त करना, यही शिव सिखाते हैं। परिवार का अर्थ ही है एक साथ मिलकर इन पुरुषार्थों को सफलता पूर्वक प्राप्त करना। जैसे कि होता है कुद्दलाहुत, हम रास्ते पर जानते हैं कौन से नियम होते हैं, लेकिन हमारे जीवन के नियमों क्या है, उनके नियम क्या है और उसका पालन कैसे किया जाता है। तो इसी प्रकार होता है चार पुरुषार्थ। सबसे पहला होता है धर्म, जो अपने जीवन को धार्मिक रूप से जी रहा है वो एक धार्मिक पुरुष कहलाया जाता है। और इस तरह हम सारे कार्य धर्म के आधार पर करते हैं और ऐसा हम चूक ना जाए कि हम गलती करें या कोई हम मिस्टेक करें। यदि करें भी तो उसका हम पछतावा या उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो ये धर्म होता है। द्वितीय है अर्थ। अर्थ का मतलब है धन, हम कमाते हैं। और यही नहीं जो फिजिकल पैसा हम कमा रहे हैं, यही नहीं, हम रिश्तों, अपने संबंधों को और एक दृढ़ रिश्ता हम कैसे बनाते हैं, ये भी एक धन के प्रकार है। क्योंकि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो अनाथ हैं, तो उनका धन बहुत कम है, किंतु जब हम मानते हैं कि हम लकी हैं, हमारे साथ संबंधों हैं, तो ये अर्थ का अर्थ बहुत ही सुंदर बन जाता है। तो ऋषियों ने कहा कि हमारा जीवन धार्मिक रूप से अर्थ को कमाना चाहिए, इसलिए हम बहुत सावधान रखना चाहिए काम कैसे कर रहे हैं, बहुत ही निष्ठा के साथ और ऑनेस्टी के साथ। तीसरा आता है काम। काम का मतलब है डिज़ायर्स, इच्छाएं। हर व्यक्ति के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और हम इच्छाओं के आधार पर जीते हैं। हम एक बहुत अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं, हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हमारे लक्ष्य इच्छाओं पर आधारित है। और अंत में है जो चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और अंत में है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है। परिवार साधक होता है, बाधक नहीं होता। आज मनुष्य में नैतिकता की कमी की वजह से कई परिवार टूट रहे हैं, माँ बाप बिछड़ रहे हैं, घृणा तथा ईर्ष्या के कारण अपनों का साथ छूट रहा है। धर्म हम सबको यही सिखाता है कि हे मनुष्य, तू भी नर से नारायण बनने की क्षमता रखता है। शिव परिवार में भले ही भेद हैं, लेकिन सभी एक साथ एकता में रहते हैं। शिव का वाहन नंदी है तो पार्वती मैया का शेर। दोनों का प्राकृतिक स्वभाव भिन्न है, परंतु एक साथ एक परिवार में रहते हैं। चारों सदस्य के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग वाहन है। शिव जी, जैसे कि हमने पहले देखा, वो ज़्यादातर सन्यासी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और माता पार्वती कुशल गृहिणी, पतिव्रता के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। कार्तिकेय सेनापति हैं और गणेश जी हमारे दुखों का निवारण करते हैं। पहनावा तो अलग अलग हैं ही, आपने देखा होगा, पर उनके वाहन भी अलग अलग हैं। एक घर में दो तीन जन हो सकते हैं, दो तीन जन अपने अपने विचार उनके हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि अपने अपने होते हैं। तो इन सभी अहंकार, इन सभी जो कहते हैं डुअलिटीज़, जो विविधता है, उन सभी को बगल में रख कर बस एक समान, एक परिवार के समान जीना चाहिए। आप देखेंगे कि शिव जी का एक अनोखा रूप है अर्ध नरेश्वर। आपने देखा होगा अर्ध नरेश्वर, यानी कि शिव जी और पार्वती माता दोनों एक ही पिक्चर में आते हैं, एक ही इमेज में आते हैं। तो आजकल हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ये जो पिक्चर है, जो इमेज है, अगर शिव जी का जो अर्ध नरेश्वर रूप है, अगर आप देखेंगे, तो इसमें
बस दिखाई देती हैं कि शिव जी नर और नारी के बीच उनके लिए उनमें कोई डिफरेंस नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, यानी कि नर और नारी एक दाम्पत्य जीवन में, खासकर एक कंजुगल लाइफ में जो है, उनका दोनों का समान रोल होता है, समान रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और शिव जी बाखूबी से ये रोल निभाते हैं अपने शिव परिवार, अपने दाम्पत्य जीवन में। ऐसा कहा जाता है कि अलग स्टेट्स में हमने शिव परिवार को बिखरने दिया, एक ने लिया है शक्ति, दूसरे ने लिया है शैव को, और तीसरे ने लिया है श्री गणेश को, और चौथा ने लिया है कार्तिकेय को। जबकि सारे, जब शिव परिवार का चित्र हम देखें तो चारों एक साथ जी रहे हैं, उनके वाहनों के साथ भी। वाहन अर्थात जो हमको चलाता है, आम जीवन में हमारी प्रवृत्ति तथा हमारे इंद्रिय ही हमको चलाते हैं। परिवार के सदस्यों की प्रवृत्ति भले ही भिन्न हो, लेकिन शिव परिवार हमको एकता में रहने के लिए प्रोत्साहन करता है। एक तरह से तो देखें, भिन्नता परिवार की सुंदरता ही है, अर्थात differences is the beauty of a family. Differences beautify करते हैं, spices add करते हैं। तो इन सब से अगर हमें यह सीख निकालना चाहिए कि हमारा unity हमारा base होना चाहिए, हमारा foundation होना चाहिए। और जब हम अपने घर में सुखी रहेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, अगर किसी में कोई कमी है, वीकनेस है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स न देते हुए कोशिश करें कि उसको हम कैसे उभारें। अगर हमें ये, अगर हम अपने घर पे यह कर सकते हैं, तो हम अपने समाज में भी यही करेंगे। हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर भी यही करेंगे, और अंततः हमारे देश में भी हम मिलजुल कर रहेंगे। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। कहते हैं कि संसार एक स्थापित काल चक्र पर परिक्रम करता है, वही काल चक्र जो पूरे विश्व को संचालित करता है। मनुष्य का सुख और दुख शिव अपने नृत्य से नियंत्रित करता है। इस आधार पर शिव को नटराज भी कहा जाता है। नटराज, नटराज दो शब्दों का समावेश से बनता है, नत माने कि नर्तन या तो नृत्य, और राज माने कि राजा, मीनिंग लॉर्ड ऑफ डांस माने नटराज। आप देखेंगे कि कोई भी नृत्यकार अपना नृत्य शुरू करने से पहले नटराज की मूर्ति को प्रणाम करते हैं, और फिर ये भी होता है अभी कि कोई भी डांस स्कूल होते हैं तो उसमें आपको नटराज की मूर्ति ज़रूर मिलेगी, और वहाँ पे नटराज की पूजा भी होती होगी। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव और महाकाली दोनों ने ये जानना चाहा कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ नृत्यकार मीनिंग डांसर कौन है। तो इसके लिए एक प्रतियोगिता जैसी रची गई, और उसका जज बने विष्णु भगवान। तो नृत्य आरंभ हुआ और शिव जी और महाकाली ने बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत किया, और देवताओं ने भी उस प्रस्तुति को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। फिर एक शिव जी ने एक लीला रची। वैसे तो आपने लीला, कृष्ण लीला के बारे में सुना होगा, और विष्णु जी भगवान जी भी लीला करते, और यहाँ पे शिव जी ने भी एक लीला किया। शिव जी ने नृत्य करते अपने पैर से, अपने पैर को कुमकुम में डुबोया और महाकाली के माथे पे सजा दिया। तो ये देख के महाकाली एकदम चकित रह गए।
ऐसा तो शिव जी कर सकते हैं क्योंकि वो उनके पति हैं, उन्होंने कुमकुम लगा दिया, पर ये देख के महाकाली को ये ज्ञान हुआ कि ये तो शिव जी की लीला है। उन्होंने बस वहीं पे महाकाली ने अपना नृत्य बंद कर दिया और फिर भगवान विष्णु जो जज थे वहाँ पे, उन्होंने शिव जी को नटराज घोषित किया। जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम जलंबिताम भुजंग तुंग मालिका दमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद वट्टम अर्पयम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिवम जटागताः संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम। शिव जी ने अपने दाहिने हाथ में डमरू लिए हुए हैं, तो ये शिव जी के सृजनात्मक शक्ति को दर्शाता है। डमरू से उत्पन्न हुई वर्णमाला की ध्वनि है जो सृजन का प्रतीक है, माने कि क्रिएशन। और उनके दूसरे हाथ में, लेफ्ट हैंड में, वो अग्नि लिए हुए हैं। अग्नि माने विनाश का प्रतीत है। तो शिव जी अपने नटराज पोज में, मैंने कि एक हाथ में क्रिएशन दर्शाते हैं और दूसरे हाथ में विनाश। अब शिव जी के जो राइट हैंड है, दूसरा राइट हैंड, वो अभय मुद्रा में है। अभय माने कि फियरलेस, डू नॉट फियर। और इसका ये भी होता है कि वो आशीर्वाद भी माने जाते हैं, आशीर्वाद को भी दर्शाता है ये हाथ। और उनका जो दूसरा हाथ है वो लेफ्ट वाला, वो ऐसे हैं, वो करिहस्त हैं, जो वो पैर के, लेफ्ट पैर के तरफ इशारा करता है। और लेफ्ट पैर जो है वो कुंचित पाद में है, द टो इज पॉइंटेड, पर वो उठा हुआ है, वो धरती पे रखे नहीं हुए वो पैर। तो उससे ये दर्शाते हैं कि शिव जी ही के चरण में मोक्ष होती है। और फिर आप देखेंगे कि शिव के चारों ओर अग्नि है, मीनिंग एक साइड से शुरू होती है और दूसरे साइड पे जाके ख़त्म होती है। और उनका ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, मीनिंग जहाँ तक ब्रह्मांड है वहाँ तक शिव है। ईशान स्वरूप उस शिव को नमस्कार है जिसका अस्तित्व निर्वाण समान है, जो इच्छा मुक्त है तथा निर्वासन है। शिव का स्वरूप ही उनकी विशेषता दिखाता है। समाधि में बैठकर तथा ध्यान मग्न होकर शिव हम साधारण मनुष्य को जीवन की सीख देते हैं तथा शव से शिव बनने का सुअवसर देते हैं। समाधि में मनुष्य चिंता रहित होता है, वह इस भौतिक संसार से ऊपर उठकर अपने अंदर के संसार में प्रवेश करता है, आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करता है। योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का योग, अर्थात मिलन। हिंदू दार्शनिक शास्त्रों के अनुसार अष्टांग योग का अंतिम चरण है समाधि। योग बोला जला आत्मा और परमात्मा के जुड़ावे के, टू लिंक द इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल और टू कनेक्ट। और ओकर में जस्ती आगे जाइबा एगो लिन्यो कोमिन्यो भी, कोमिन्यो जब परमात्मा से बातचीत करबा रो रिहान, ठीक। और योगी बोला जला जन आत्मा परमात्मा से योग लगावा था, ओकर से कनेक्ट होता। और परमात्मा एक ही गोबा और शिव है परमात्मा, काहे बोले सब परमात्मा, क्योंकि वो परम धाम में रहलन, निर्वाण धाम में रहलन, सबसे ऊंच धाम में और सबसे श्रेष्ठ सर्वस्त्र वही हवन, त्रिलोकीनाथ हवन, त्रिकालदर्शी हवन, त्रिनेत्री भी हवन परमात्मा, ज्ञान के सागर। और इस सृष्टि चक्र में परमात्मा ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तीन गो चार गो युग में हमने के आत्मा आवेला। और कलयुग के अंत में चारों युग के बोला जला एक कल्प, तब परमात्मा युगे युगे नहीं आवेलन। द्वापर युग में सब धर्म स्थापक आल बटे,
मिसमा कलयुग के अंत में परमात्मा खुद आवेलन परम धाम से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस आधुनिक दुनिया में रहकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में दिन रात एक करता है। ऐसे में तनाव से ग्रस्त कभी कभी अपने अस्तित्व पर प्रश्न करने लगता है। प्रश्न जैसा, शिव जैसे योगी बनने से आम मनुष्य का क्या लाभ? लेकिन योगा जो है उसमें ये भी आता है कि हमें अपने आप में कुछ खासकर संतुलन लाना चाहिए। अगर आप देखेंगे शिव जी बहुत बार आप दर्शाया जाता है कि शिव जी हिमालय छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर वे त्याग लेकर वे मेडिटेट कर रहे हैं, वे पूरे ध्यान में हैं। तो ये काफ़ी सिंबॉलिक है। इसका मतलब नहीं है कि हम जो हैं वो जैसे कहते हैं मॉडर्न मटेरियल मैन द मॉडर्न मैन, हमें घर छोड़कर पर्वत पर जाना ज़रूरी नहीं है। अगर हम रिनाउंस करना चाहते हैं, अगर हम त्याग करना चाहते हैं, मेंटल जो रिनाउंसिएशन होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम बोलते हैं बी इन द वर्ल्ड बट डू नॉट लेट द वर्ल्ड बी इन यू। तो ऐसा योगी जो एक ही पॉइंट पर ध्यान कर रहा है, एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट कर रहा है, जिसको हमको ये सिखा रहा है कि जैसे हम अपने सारे कार्य कर रहे हैं, हमारे जीवन की अलग भूमिका हम निभा रहे हैं, क्या हम फोकस्ड है उस पर? और ध्यान करते हुए क्या हमारा मन अचल है या इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है? इसलिए जब शिव योगी की तरह ध्यान में है, वो एक शांत स्वरूप का अनुभव देता है जो हमको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। त्रियंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्रियंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आजकल के जीवन में देखेंगे तो बहुत से लोग तनाव को अपने जीवन का हिस्सा बना दिया है। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अभी सभी लोग सुख चाहते हैं और सुख के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ये काम धंधा आदि इत्यादि में लगे रहते हैं, जिसमें तनाव बहुत होता है। एक तो काम पर जाते हैं तो तनाव, घर में आते हैं तनाव। तो ऐसा होता है कि क्यों ऐसा करते हैं? ताकि ये पैसा ज़्यादा मिले और परिवार के लिए ज़्यादा कुछ खरीद कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऐसा करने से
क्या ये परिवार सुखी होता है? साधन मिलने से सुख मिलता है? आप लोगों ने चित्र ज़रूर देखा होगा कि शिव जी हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए दिखते हैं, और ज़्यादातर ऐसा दर्शाया जाता है कि उनकी आँखें आधी खुली और आधी बंद होती हैं। यह योग का, इसे जो हम कहते हैं, इट्स द परफेक्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका मतलब है संसार में होते हुए भी संसार से डिटैच हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। महाशिवरात्रि शिव भक्तों का उत्सव है, योगियों का उत्सव है, उस परमात्मा को समझने के लिए इस आत्मा का उत्सव है। शास्त्रों का संदेश है कि शिव के स्वरूप को नहीं बल्कि शिव के स्वभाव का अनुसरण करना चाहिए। उसके स्वभाव को अपना बनाकर हम भी शिव का परम भक्त बन सकते हैं। इस वर्ष की महाशिवरात्रि को पूजनीय तथा ईश्वरीय बना सकते हैं और जगत गुरु आदि शंकराचार्य के कथन को सिद्ध कर सकते हैं कि हम भी शिव हैं, अर्थात शिवो हम। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि।